स्पुतनिक उन वैक्सीन की लिस्ट में आती है जो 90% से ऊपर एफिकेसी दिखाते हैं, जैसे कि मॉडर्ना और फाइजर। लेकिन भारत के लिए ये अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि स्पुतनिक वी की जो वैक्सीन है वो 2 से 8 डिग्री के बीच स्टोर की जा सकती है। कई जगहों से खबर आ रही है अब कि मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन खोलने के बाद डोजेस खराब हो जाती हैं क्योंकि उन्हें -70 से -80 डिग्री का टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है। दूसरा ये कि स्पुतनिक डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ इंडिया में अपना फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इस वक्त कर रही है और देखा यह जा रहा है कि इसमें 22,000 पार्टिसिपेंट्स में ये ट्रायल होना है जो फरवरी तक खत्म हो जाएगा और आशा है कि मार्च तक सरकार स्पुतनिक वी और डॉक्टर रेड्डीज की इस वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देकर भारतीयों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो जाए। इसका मतलब ये है कि जल्द ही भारत में तीसरी स्पुतनिक वी की वैक्सीन भी आ सकती है क्योंकि लैंसेट के जो रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं वो काफी फेवरेबल रहे हैं और इसके साथ ही साथ स्पुतनिक की जो कॉस्ट है RDIF गमलेया इंस्टीट्यूट के साथ उनका कहना है कि $10 प्रति डोज होगा और भारत सरकार एक तरीके से जो वैक्सीन है उसका कॉस्ट ₹700 तक रखने की बात कर भी रही है। संजय समीर के साथ मैं मिलन शर्मा, दुनिया तक।